निर्मलेंदु सुहाना सफर से। रफ़ी पर बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रफ़ी साहब पर मैंने बहुत से गीत आपके सामने पेश किए और बैकग्राउंड भी बताया। मैं इस बार फिर मुकेश के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपने मेरा गुनगुनाना सुन लिया। फिल्म आनंद की बात ही निराली है और इस गीत की बात ही निराली है। हालांकि इस फिल्म के सभी गीत बेहद पॉपुलर हुए हैं। हाँ, खासकर ये गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए। इस फिल्म के बनने के पीछे कई कहानियां हैं। जी हाँ, एक फिल्म यूं ही नहीं बन जाती। ढाई घंटे के, तीन घंटे की फिल्मों के पीछे बहुत सी कहानियां होती हैं। खासकर गीतों को जब फिल्माइजेशन किया जाता है तो उसमें भी कहानियाँ बनती हैं। कुछ एक्टर्स आते हैं, कुछ चले जाते हैं। आज हम पर्दे के पीछे की सच्चाई को बताने जा रहे हैं कि फिल्म आनंद कैसे बनी, किशोर कुमार महमूद ने इस फिल्म को क्यों छोड़ दिया। जी हाँ, यही सच है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म के बारे में कुछ और बात बताएंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशंस आपको हम बताएंगे। दरअसल मैं जब भी ये गाना सुनता हूँ या गुनगुनाता हूँ तब मुझे मेरी माँ की याद आती है और मैं रो पड़ता हूँ। मेरी माँ भी इस गाने को खूब सुनती थी। हालांकि वो उस तरह से नहीं सुनती थी, लेकिन सुनती थी। एक गीत जो रात में ड्राइविंग करते समय बजाया जाना चाहिए। हाँ, इस गीत को जब आप ड्राइविंग करते वक्त बजाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा और शांति मिलेगी और आपके अंदर एक ऊर्जा का उत्थान होगा। मेरा मानना है कि राजेश खन्ना का मुकाबला करने वाला कोई अभिनेता अभी तक शायद पैदा नहीं हुआ। रोमांटिक फिल्मों में उन्होंने जो 16-17 फिल्मों को लगातार हिट दी वो अतुलनीय अद्भुत है। आनंद मेरे पिताजी की भी पसंदीदा फिल्म थी। जब भी मुझे अपने दादाजी की याद आती है मैं इस गीत को सुनता हूँ। मैं चूंकि फिल्मों का शौकीन था इसलिए उन्होंने मुझे इस फिल्म को देखने के लिए कहा। मैं बांग्ला भाषी हूँ और मुझे ये संगीत पसंद है। मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब मैं मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार को सुनता हूँ। जब मैं आशा भोसले को सुनता हूँ तो मैं कुछ और दूसरे दुनिया में पहुँच जाता हूँ। कभी यूं ही जब हुई ओझल सांसें तर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए कहीं। दरअसल मैं रफ़ी साहब पर एक किताब लिख रहा हूँ। एक किताब लिखने में वक्त लगता है। एक साल हो चुका है मैंने शुरुआत की, उसका लेखन कार्य चल रहा है। मुझे विश्वास है कि मैं बहुत जल्द उस किताब को पूरा कर लूँगा। गीत, संगीत, गायन, वादन और कलाकार सभी ने मिलकर इसे बेहतरीन बनाया है। इस फिल्म को बेहतरीन बनाने में सबका हाथ है। यह गीत इतना वास्तविक है, इतना सुंदर है, शांतिपूर्ण है, बचपन से ही मुझे पसंद है। गीत का जोगेश है सिर्फ 27 साल के थे उस समय, सिर्फ 27 साल जब उन्होंने इस गीत को
इतनी गहराई और फीलिंग्स के साथ लिखा था। शब्दों पर भी जाइए, लिरिक्स शब्दों पर और उस तरफ धुन पर, गजब का धुन है। उन्होंने यानी राजेश खन्ना ने कभी अपनी व्यथा नहीं कही, केवल गीतों के माध्यम से अपनी बात कही है। दूसरों से खुशियां साझा की, उनके पास सुराग सही समय था। एक बार एक किशोरी ने राजेश खन्ना से पूछा था, साहब आपका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंदीदा है आपके पूरे जीवन में? तो उन्होंने कहा था कि मुझे मुकेश चंद्र माथुर साहब का ये गीत बहुत अच्छा लगता है, दिल के करीब है। और उन्होंने एक चित्र बनाते हुए समझाया था, इस तरह काका का जादू है कि मैं उनके कई गीतों को सिर्फ बेमिसाल भावों में अचंभित करने के लिए ध्वनि के साथ देखता हूँ, गाता हूँ। उनके जैसे गीतों को कोई चित्रित नहीं कर सकता। वो हमसे दूर जरूर चले गए हैं, काका जी हमसे दूर जरूर चले गए हैं, लेकिन जिंदगी की शाम हो गई है, सूरज भी ढल गया है और रात भी हो गई है, फिर ना ही सूरज निकला और ना ही सुबह हुई। यही गाने का मर्मार्थ है। ना ही वो लौट कर आए और ना ही इन लबों पर मुस्कान देखने को मिली। आनंद 1971 की भारतीय भाषा की एक ड्रामा फिल्म है, जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है, जिसमें गुलजार द्वारा लिखे गए संवाद भी हैं। इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में है, जिसमें अमिताभ बच्चन, सुमिता सान्याल, रमेश देव और सीमा देव सहित एक सहायक कलाकार भी मौजूद है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिनमें 1972 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल थे। के बीच राजेश खन्ना की 17 लगातार बॉक्स ऑफिस सफलताओं में गिना जाता है, जिनमें मल्टी स्टारर मर्यादा 1971 में बनी थी और अंदाज 1971 में भी शामिल है, क्योंकि ये मल्टी स्टारर, ये दोनों फिल्म मल्टी स्टारर थी। बाकी सब फिल्में सोलो फिल्में हैं और उन सभी फिल्मों में राजेश खन्ना ने अपनी एक अलग, बिल्कुल अलग छाप छोड़ी। यह 1971 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। जी हाँ, इसके बाद से यह एक लक्ष्य प्राप्त कर चुकी है और इसे अब तक की सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स ने लिखा कि राजेश खन्ना की 25 फिल्म एक तरफ और दूसरे कलाकारों की 50 फिल्में एक तरफ, मतलब दोनों की तुलना नहीं है। सभी फिल्में एक से बढ़कर एक। आनंद उन दो फिल्मों में से एक है जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने एक साथ अभिनय किया है। दूसरी 1973 की फिल्म नमक हराम है, जिसमें ऋषिकेश मुखर्जी ने भी निर्देशित किया था। दरअसल आनंद में मूल रूप से अभिनेता किशोर कुमार और महमूद को मुख्य भूमिकाओं में लेने की बात तय हो गई थी। जी हाँ, मैंने आपको कहा था कि फिल्म के बारे में और फिल्म की कुछ पीछे की कहानियों के बारे में आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। निर्माताओं में से एक एनसी सिप्पी ने पहले महमूद के साथ प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम किया था, तो बाबू मोशाई का किरदार महमूद द्वारा निभाया जाना था नेचुरली, क्योंकि दोनों में एक बॉन्डिंग बन गई थी, एक दोस्ती थी। ऋषिकेश मुखर्जी को इस परियोजना पर चर्चा करने के लिए किशोर कुमार से मिलने के लिए कहा गया। सिप्पी साहब ने ऋषिकेश साहब से कहा कि आप किशोर साहब से मिलें और उन्हें बताएं कि हमें ये फिल्म बनानी है। दरअसल जब वो किशोर कुमार के आवास पर गए, मतलब ऋषिकेश मुखर्जी जब किशोर कुमार के आवास पर गए, तो गलतफहमी के कारण उन्हें द्वारपाल ने भगा दिया, गेटकीपर जिसे कहते हैं, उन्होंने भगा दिया। दरअसल हुआ ये था कि किशोर कुमार के साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। उन्होंने किसी के साथ, एक बांग्लाभाषी व्यक्ति के साथ एक फिल्म बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन वो फिल्म वित्तीय घोटाले के कारण नहीं बन पाई। इसीलिए किशोर कुमार जी ने अपने द्वारपाल को कहा था, कोई बांग्लाभाषी व्यक्ति अगर आए तो उन्हें अंदर आने मत देना। यहाँ एक कन्फ्यूजन हो गया और द्वारपाल ने
चूंकि ऋषिकेश मुखर्जी बांग्ला भाषी हैं इसलिए उनको अंदर आने नहीं दिया। इस घटना से मुखर्जी साहब, ऋषिकेश मुखर्जी का अपना एक नाम है, वजूद है, उनको बहुत ठेस पहुंची और बहुत आहत हुए और उन्होंने ये तय कर लिया कि किशोर कुमार के साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने जाके सिप्पी साहब को बताई बातें। सिप्पी साहब भी आहत हुए क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। बहुत अच्छे डायरेक्टर, एडिटर, लेखक हैं ऋषिकेश मुखर्जी। अब जब किशोर कुमार फिल्म से हट गए तो नेचुरली महमूद को भी फिल्म छोड़ना पड़ा। दरअसल महमूद और किशोर कुमार की जोड़ी बहुत पुरानी है, दोनों से बहुत प्यार करते हैं। राज कपूर और शशि कपूर दोनों को राजेश खन्ना से पहले भूमिका में लेने की बात हुई लेकिन वो बाद में नहीं बने। फिल्म विषयक और संगीतकार राजेश सुब्रमण्यम कहते हैं कि मुखर्जी ने 28 दिनों में ये फिल्म पूरी कर ली थी, मतलब 28 दिनों तक ही शूटिंग चली थी। अब सोची कि 28 दिनों में एक फिल्म पूरी कर ली और सभी गानों को पिक्चराइज भी कर लिया। आनंद की पटकथा गुलजार ने भी लिखी थी, उनका भी सहयोग है। विमल दत्त, डी एन मुखर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा सहयोग किया गया था और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो सलील चौधरी थे। जी हाँ, से आए एक से बढ़कर एक गीत उन्होंने दिया, से टूटे हुए ख्वाबों में, ऐसे बहुत से गीत हैं। गीतों के लिए चौधरी की पुष्टि करने से पहले मुखर्जी ने गीतों की रचना के लिए लता मंगेशकर से संपर्क किया था क्योंकि उन्होंने पहले ही आनंद वन के छद्म नाम से मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में काम किया था। हालांकि लता मंगेशकर ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। आराधना की सफलता के बाद से किशोर कुमार राज खन्ना की आवाज बन गए थे। इस फिल्म में संगीतकार सलील चौधरी ने मुकेश से यह कहने पर जोर दिया कि उन्हें लगता है कि बात की आवाज में आनंद के किरदार को जरूरी रास्ता मिल जाएगा। राज खन्ना ने सहजता से सुझाव पर सहमति जताई। तो एक बार जब राज खन्ना से पूछा गया कि इस गीत के लिए कौन उपयुक्त व्यक्ति होंगे, कौन उपयुक्त गायक होगा, तो उन्होंने तुरंत बताया कि मुकेश चंद्र माथुर भी इस गीत के साथ न्याय कर सकते हैं। और मुकेश चंद्र माथुर ने सचमुच न्याय किया और इस गीत को अमर बना लिया। अब आश्चर्य की बात अब देखिए कि कई गाने हैं इसमें लेकिन इस गीत को सर्वश्रेष्ठ गीतों में रखा गया, पुरस्कार मिले। और इस फिल्म ने वह कामयाबी हासिल की जिसे मील का पत्थर कहा जाता है। और आश्चर्य की बात एक और है इसमें, 7 दिनों तक फिल्म नहीं चली, मतलब 7 दिनों तक सिनेमा हॉल तक लोग नहीं पहुंचे, लेकिन कहते हैं कि पब्लिसिटी से ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी की बहुत ज़रूरत होती है। जब लोगों ने फिल्म देखा, देखकर आपस में बात की, तो इस तरह से शोहरत फैली, फिल्म की शोहरत फैली कि लोग देखते ही गए, देखते ही गए, देखते ही गए और फिल्म हिट हो गया। शुरू में लेखकों ने, कई लोगों ने फिल्म को फ्लॉप साबित किया, कई लोगों ने कहा कि ये मील का पत्थर होगा, लेकिन अंततः एक अच्छी फिल्म की जीत हुई और ऋषिकेश मुखर्जी
का नाम चारों तरफ फैल गया। तो आज बस इतना ही, प्रणाम। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।